दोस्तों नमस्कार। आज की शॉर्ट वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब कोकअप का सही मतलब जानेंगे। ज़्यादातर लोग इसका मतलब किसी आदमी के सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन होना समझते हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन का खड़ा होना समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। इसका सही मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग बाय डूइंग इट रॉन्गली और टू ट्रबल समवन, यानी गलत तरीके से काम करके किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की हालत ख़राब कर देना, उसकी हालत बिगाड़ देना। आम बोलचाल में हम इसे ऐसी तैसी कर देना कहते हैं। चलिए इस फ्रेजल वर्ब को एग्जांपल्स के ज़रिए समझ लेते हैं। मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, यानी मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। आप इसे कहेंगे आई विल कोक यू अप, आई विल कोक यू अप। एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसने मेरी बाइक की हालत ख़राब कर दी, यानी उसने मेरी बाइक की ऐसी तैसी कर दी। आप इसे बोलेंगे ही कॉक्ड माई बाइक अप, ही कॉक्ड माई बाइक अप। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी कभी नहीं दूंगा, तुम मेरी गाड़ी की हालत ख़राब कर देते हो, तुम मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर देते हो। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।